जैन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं या क्लास 12 के छात्र हैं या आप कोई भी क्लास के हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों का 15 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाला है, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट में। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों से वादा किया है कि कम से कम समय में आपका इंग्लिश का तैयारी मैं समाप्त करा दूंगा, ठीक है। देखिए, खासकर मैंने इस चैनल पर क्लास 12 वालों को पढ़ाता हूं, इसलिए मैंने यहां पर क्लास 12 लिखा है, लेकिन ये वीडियो क्लास 10 के छात्रों के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मतलब आप लोग लिख लीजिए 100% की गारंटी से, ये इस वीडियो को देखने के बाद आपका 15 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा ना, उसमें जो पहला प्रश्न होगा वो होगा अनसीन पैसेज, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको पढ़ना है और उस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनका आंसर आपको लिखना होगा। अगर आप लिख देते हो तो आपको 15 नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अनसीन जो पैसेज होता है वो ना ही आपको बुक से आता है, ना ही आपके क्वेश्चन बैंक से आता है। अब आप पूछोगे सर वो कहां से आता है, तो देखिए जो आपका पेपर बनाता है टीचर, वो खुद अपने से देता है। अब आप कहोगे सर तो ये तो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इससे ज्यादा आसान ना आपके इंग्लिश के पेपर में और कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि इस ट्रिक के देखने के बाद, जो मैं खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक के देखने के बाद आप किसी भी पैसेज को यूं सॉल्व कर दोगे। देखो यहां पर मैंने लिख भी रखा है, यहां पर देखो ट्रिक भी मैंने यहां पर लिख रखा है, सारा ट्रिक भी। ऊपर से मैं आपको यहां पर बताऊंगा भी कि आपको अपने पेपर में कैसे लिखना है जिससे आपको फुल में फुल नंबर पैसेज का मिल सके। इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को पूरा वॉच करना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों, उस पैसेज को देखते हैं, कैसे सॉल्व करना है पैसेज, किस ट्रिक को आजमाना है और किस ट्रिक के सहायता से हमें इस पैसेज का 15 नंबर फुल लेके आना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, पहले तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक बताने के बाद दो एग्जांपल दूंगा, दो में खुद दो पैसेज को खुद में सॉल्व करूंगा, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर देखिए एक मैंने यहां पर पैसेज लिख रखा है, इसको भी सॉल्व करूंगा, और एक मेरे पास पेपर है पिछले साल का जो उसमें पैसेज आया था उसको भी मैंने यहां पर सॉल्व कराऊंगा। देख लीजिए, इसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को फुल वॉच करना। चलिए देखिए, पैसेज का ट्रिक, पैसेज का ट्रिक क्या है, सबसे पहले इसे समझो, उसके बाद मैं अभी पैसेज सॉल्व करके बताऊंगा। इसी ट्रिक पर मात्र 5 काम आपको करना है, अगर ये 5 काम कर देते हो तो आप किसी भी पैसेज को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, जो आपका अनसीन पैसेज है, क्या करते हैं ना बच्चे, जैसे पेपर आया ना हाथ में, हाँ ये पैसेज पढ़ देंगे, हाँ महात्मा गांधी फास्टेड ऑन, ये पैसेज आपको पहले नहीं पढ़ना है, पैसेज आपको पहले नहीं पढ़ना है। करना क्या, पहले सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है, यानी कि जो आपका नीचे जो पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है इस पैसेज का, तो इसमें ये जो ये सबसे पहले पढ़ना है। अब इसके आगे क्या करना है वो ट्रिक में देखिए, अभी मैं दिखाता हूं, ये देखिए, अब उसके ये कर लिया आप काम, जो तीसरा काम करना है बच्चों, पहले क्या करना है, पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर करना है क्या, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वर्ड है उसे अंडरलाइन करना है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इस पैसेज के नीचे, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड तो जरूर होगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड तो जरूर होगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या हो सकता है, व्हाई, हाउ, व्हाट, ये सब क्वेश्चन वर्ड है, यानी क्यों, कैसे, क्यों, ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क करना है, इसको अंडरलाइन करना है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आप लोग लास्ट तक बने रहेगा, ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूं क्या क्या करना है, ये सारा करके मैं दिखाने वाला हूं। चौथा काम करना है आपको बच्चों, क्वेश्चन में सब्जेक्ट या मेन वर्ड पहचानना है, क्वेश्चन में क्या करना है, तीसरा काम करना क्या था, क्वेश्चन वर्ड को अंडरलाइन करना था, लेकिन चौथा क्या आपका करना है, क्वेश्चन जो है उसमें आपको सब्जेक्ट पहचानना है, अगर सब्जेक्ट नहीं पहचानने आएगा तो आपको मेन वर्ड पहचानना है, ठीक है, अभी करके बताऊंगा। और लास्ट काम करना है कि मेन वर्ड को पैसेज में ढूंढना है, उसके बाद आपका मिल जाएगा आंसर, उसके बाद 15 नंबर देने से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका यूज करते हैं और हम लोग पैसेज का आंसर निकाल के दिखाते हैं, 15 नंबर आपको बिल्कुल पक्का करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं एक यहां पर पैसेज लिख रखा है, अब इसी पैसेज को मैं पांचों ट्रिक के आजमा के हम लिखने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीका से। देखिए सबसे पहले मैं क्या काम नहीं करना था बच्चों, सबसे पहले तो मैं पैसेज नहीं पढ़ना था, चलिए इस पैसेज को नहीं पढ़ेंगे। दूसरा क्या काम करना है, सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है, तो चलिए कहां है हमारा क्वेश्चन उसे पढ़ते हैं। देखिए ये रहा इस पैसेज के नीचे दिए हुए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड महात्मा गांधी फास्ट, ठीक है, पढ़ लिया हमने, चलिए एक क्वेश्चन पढ़ लिया, अब तीसरा क्या काम करना है वो देखिए, ठीक है,
तीसरा काम करना है क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वर्ड है उसे अंडरलाइन करना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन कौन है भाई, वाई, यानी वाई यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, इसे हमने अंडरलाइन कर लिया। अब तीसरा चौथा काम का क्या करना है, क्वेश्चन में सब्जेक्ट ढूंढिए या मेन वर्ड ढूंढिए। अब देखिए अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढने नहीं आता है तो आप यहां पर मेन वर्ड ढूंढिए। देखिए मेन वर्ड क्या हो सकता है, महात्मा गांधी फर्स्ट, यही तो आपका मेन वर्ड है ना, यही आपको दिख रहा है ना मेन वर्ड, ये डीड तो मेन वर्ड होगा नहीं क्योंकि ये एक वर्ब का काम करता है, ठीक है। जो बच्चे ग्रामर पढ़े ना ये सारी चीज उनको समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं पढ़े ना बस वो मेन वर्ड ढूंढेंगे, ठीक है। और जो बच्चे ग्रामर पढ़े वो सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी यहां पर आपका फर्स्ट, ये एक मेन वर्ड हमने ढूंढ लिया। अब पांचवा क्या काम करना है कि मेन वर्ड को पैसेज में ढूंढना है। चलिए अब हम पैसेज में महात्मा गांधी फर्स्ट ढूंढते हैं। तो देखिए दोस्तों जब आप पैसेज को यहां पर देखिएगा तो देखिए शुरू में ही आपको दिख जाएगा महात्मा गांधी फर्स्ट एड। देखिए दिख गया कि नहीं, महात्मा गांधी फर्स्ट एड। क्वेश्चन में हमने क्या अंडरलाइन किया था, कौन सा मेन वर्ड था, महात्मा गांधी फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट बोलिए फर्स्ट एड बोलिए, बात तो एक ही है, इसका जो वर्ब है वो परिवर्तन है बस, ठीक है। तो यहां से आपको मिल गया। अब क्या हम क्या करना है, आपने तो क्वेश्चन को ढूंढ लिया, आंसर उसका ढूंढ लिया, लेकिन आपको यहां पर कंफ्यूज है कि सर हमें कितना लाइन लिखना है। मान जी यहां से तो यहां तक हमने ढूंढ लिया, लेकिन हमें कितना लाइन लिखना है अपने कॉपी में। तो देखिए आपका जो फुल स्टॉप होगा एंड, वहां तक लिखना है। तो देखिए यहां पर कोई फुल स्टॉप दिख रहा है क्या, हाँ यहां पर देखिए फुल स्टॉप दिख रहा है, यानी कि यहां से लेकर आपको यहां तक आंसर लिखना होगा अपने उत्तर पुस्तिका में। कैसे लिखना है चलिए वो भी मैं बता देता हूं। देखो यहां पर मैंने लिख रखा है आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन, ये जो पैसेज है क्वेश्चन वन है, इसलिए मैंने यहां पर क्वेश्चन वन नंबर डाक दिया, ठीक है। आंसर डाक के इसका ए, हम पहला क्वेश्चन का ही ना आंसर लिख रहे हैं तो हमने ए यहां पर डाक देंगे। अब देखिए यहां से आपको स्टार्ट करना है महात्मा गांधी फर्स्ट एड। देखिए हमने स्टार्ट किया है महात्मा गांधी फर्स्ट एड और लास्ट तक लिखना है सो मच तक, ठीक है। तो देखिए हमने यहां पर सो मच तक लिखा, इतना लिख देंगे तो ये तीन नंबर आपका मिल जाएगा। देखिए बच्चों आपका जो एग्जाम होता है, जो पैसेज होता है, उसमें पांच प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक प्रश्न होता है तीन अंक का, टोटल 3×5=15 अंक का होता है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप लोग अपनाना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका भी आंसर हम लोग ढूंढेंगे इसी प्रकार। हाउ मच क्लोथ डिड ही वांट इन द इंडियंस टू स्पिन। अब बताइए इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, उसे अंडरलाइन कर लीजिए पहले, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। अब हम आगे क्या काम करना है, मेन वर्ड ढूंढना है। तो देखिए क्लोथ एक मेन वर्ड है, ठीक है, इंडियंस टू स्पेन ये आपका मेन वर्ड है, ठीक है। अब इन दोनों को ढूंढना है पैसेज में। चलिए पैसेज खोलते हैं। अब यहां पर अगर आप पढ़ेंगे ना, पढ़ना नहीं है बस ढूंढना है किधर है किधर है किधर है। देखिए अभी मैं बताता हूं क्या ढूंढना है, क्लोथ और स्पेन ढूंढना है। तो देखिए बच्चों यहां पर स्पेन तो दिख गया, यहां पर स्पेन तो दिख गया लेकिन क्लोथ नहीं दिख रहा है। क्लोथ है क्या कहीं इधर, हाँ देखिए यहां पर क्लोथ दिख गया। अब देखिए अब आप कहोगे सर ये तो बीच में मिला है ना, हम कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, कहां तक लिखेंगे। तो फुल स्टॉप से आपको शुरू करना है। देखिए यहां पर फुल स्टॉप यहां से है, तो यानी कि यहां से लिखना आप शुरू करना है फुल स्टॉप तक, यानी कि यहां तक, ठीक है। आ गया समझ में, यहां से शुरू करना है यहां तक। देखिए आपको जो भी आंसर लिखने में दिक्कत हो रहा है, यानी कि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितना लाइन लिखना है पैसेज में से, तो आप लोग फुल स्टॉप का सहायता लीजिएगा। फुल स्टॉप से स्टार्ट करना है, फुल स्टॉप तक एंड करना है, ठीक है। चलिए आंसर मिल गया, अब हम अपने उत्तर पुस्तिका में इसको लिखने का कष्ट करेंगे। लिख देंगे बी का आंसर लिखना है तो बी लिख के ही आस्क ऑल द, जो आपका यहां से यहां तक है आप लोग लिख दीजिएगा, हो गया ये। तो इसी प्रकार आप इसका तीसरा प्रश्न को, चौथा प्रश्न को, पांचवा प्रश्न को, जितने भी प्रश्न उसको सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला पैसेज का, अभी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब जो हमारा दूसरा पैसेज है उसको भी देखेंगे और उसको भी इसी सहायता से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हमने दो एग्जाम्पल क्यों ले रखा है, इसलिए ले रखा है कि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जो हमारा दूसरा पैसेज है उसको भी देखते हैं, उसको भी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों लेके आ गए हैं एक और पैसेज, ये देखिए ये क्लास 10 का पैसेज है। देखिए आप क्लास 12 का तो टेंशन मत लीजिए, पैसेज तो पैसेज होता है ना, अनसीन पैसेज तो पैसेज होता है, आप कोई भी पैसेज सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोग अभी ट्रिक तो बता देना, अभी आप लोगों का पेपर में टाइम है, तो आप लोग डेली एक एक पैसेज को इसी ट्रिक के सहायता सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आपका 15 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए पहला प्रश्न है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि जो ये पैसेज है इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको आप लोग ध्यान पूर्वक उनका आंसर दीजिए इस पैसेज को पढ़ के। देखिए आप हम आते हैं, पहला क्या काम करना है, पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या, पहले बच्चों वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डिड लेड टू। अब इसमें हमें क्या करना है, पहला दूसरा का क्या करना है, जो क्वेश्चन वर्ड है उसे अंडरलाइन करना है। यहां पर वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है, इसे अंडरलाइन हमने कर दिया। अब जो चौथा काम है उसे क्या करना है, मेन वर्ड ढूंढना है। इसे मेन वर्ड क्या है, परफॉर्मेंस है, गुड है,
डेड लेड है, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड को आपको यहां पर ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर पहले ही मैंने टिक लगा रखा है, सो पच सो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस देखिए आप, इज द हैपनेस अबाउट द डोर एंड दोज फॉर होम इट द इट इज डॉन। अब यहां से लिखिए, यहां से फुल स्टॉप से स्टार्ट कीजिए, इस फुल स्टॉप तक छाप डालिए, आपका यह तीन नंबर बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार आप कर सकते हैं, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड डू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर को अंडरलाइन करो, चलो ये क्लियर है। अब देखो, अब यहां पर जो मेन है वो दोनों, मेमोरी यहां पर मेन है, गुड डीड डू ये मेन नहीं कहेगा क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, तो यहां पर मेन तो मेमोरी ही होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर ढूंढिए, देखिए द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड, यहां पर गुड डीड भी आ गया, मेमोरी भी आ गया, क्लियर है। यहां से उठाओ यहां तक लिख डालो, क्लियर है। यहां पर भी आपका ये तीन नंबर मिल गया। इसी तरह आप सभी क्वेश्चन को, जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, यहां पर जितने भी और दो क्वेश्चन होंगे, ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इस सभी को आप इसी प्रकार इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप ऐसे करके अपने एग्जाम में आ रहे हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा लिख दीजिएगा, उसके बाद आपका 15 नंबर बिल्कुल ही मुफ्त में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ठीक है। अब देखो, अब जो कल सुबह वीडियो आएगा, कल सुबह मैं यहां पर राइटिंग शुरू करने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को मैं लेटर सिखाऊंगा, आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा, तो चैनल को आप लोग फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।